बाहर निकल। बंगला पे आ जाइए, तोर बख्शीश मिल जाई हो जा। चल जो यहां से। पवन सिंह बख्शीश लेवेला नारे साला देवेला। ये रहल होली और ये रहल दिवाली, बाकी सब त्योहारन के बख्शीश यहाँ थी कि हवालात में। एसपी अपन वर्दी के रो तोरा जैसा नपुंसक के वर्दी पहने के कोनो अधिकार नहीं के। तोरा शरीर पर ही वर्दी शर्मिंदा हो रहल बा। आप जाइए यहां से, आपसे तो हम बाद में बात करेंगे। एसपी तू हमार बाप के पावर के निखे जाना, तोरा के सरेआम सड़क पर नंगा करके ना घुमैनी तो हम अपन बाप के औलाद रखी। अरे साला, एक बाप के औलाद अगर ते रहते ते को इज्जतदार लड़की के साथ ऐसा घिनौना हरकत कबो ना करते। तोरा बहुत महंगा पड़ी एसपी। जेंसर, आपने जो कर दिखाया ना सर, आज तक मोतिहारी में कोई नहीं कर पाया सर। बाबूजी विक्रम, इस साल हमरा के बहुत मरलक है बाबूजी, हमरा कपड़ा तक ना पहने दिलक है बाबूजी। माननीय सांसद जी, हथवा उखाड़ कर आपके पिछवाड़ा में घुसेड़ देंगे। लाइसेंसी गुंडा है हम, का समझे? तेरा हिम्मत कैसे भइल हमरा बेटा के अंदर करे के? कुकर्म कैले बा और बेटा कवन कुकर्म कैले बा? बलात्कार। बलात्कार? हाँ, ये वो गरीब बेबस लड़की के साथ है। का सबूत है तोरे पास? वो देखी सामने बैठल भी है बेचारी, झूठ बोल के हमारा बेटा के फंसा रहल बा इस साली। सांसद जी, एकर फैसला तो अब कोर्ट में हुई।
हमारा बेटा के कोर्ट में ले जाइबे, भोला यादव के बेटा के कोर्ट में ले जाइबे। काहे कानून भोला यादव के घर के नौकर है का? यही समझ ले, कल 10 बजे तक तोर सस्पेंशन लेटर तोरा टेबल में होगी। टाइम देख ली, रात के 10 बज रहा बा। रात के 10 से सुबह 10 के बीच 12 घंटा होला। और 12 घंटा में घंटा के हुमाई के लाल नहीं थे जे हमरा के कार्रवाई करे से रोक ले। जाई हमारे ट्रांसफर करवा दी, सस्पेंड करवा दी, जौन बुझाए तौन करवा दी। लेकिन ये 12 घंटा में, ये 12 घंटा में हम रुआ बलात्कारी बेटा के वो हाल करब कि भविष्य में बलात्कार करना तो दूर, इसको मुदने के लिए भी सिला जीत खाना पड़ेगा। प्रणाम नेताजी। अरे डीआईजी साहब, रउआ पटना में बैठल बानी और यहाँ एसपी पवन सिंह हमारा बेटा विक्रम के अरेस्ट करके गोविंदपुर थाना में बंद कर ले बा। अरे जल्दी कुछ करी, नत रात भर हमारा मुन्ना के टॉर्चर करी, टॉर्चर जल्दी कुछ करी। का बात करता नहीं सर, तू साला की इतना हिम्मत रही, हम अब ये बात करता नहीं। अरे जे भी करे जल्दी करी तत्काल। हाँ रउआ अकेले आ गई बानी, हमार बिटवा कहाँ बा? ओ कहाँ के? हमार बिटवा पता ना कुछ खाइल होई के ना, हमरा के अपन बिटवा चाहिए। अरे हम कोशिश कर रहे हलवानी, तोहार बिटवा 2 घंटे में तोरे पास आ जाए, तू घबरा मत, चल भीतर चला चला। नहीं रवा, अकेली घर आ गई बानी। एसपी पता ना हमार बिटवा के का हाल करी। अरे तू चुप रह की ना, देख लो ना, हम डीआईजी साहब से बात कर ली ना, डीआईजी साहब से बात है। चला तोहर बेटवा, हम कहता ना 2 घंटे में तोरे पास आ जाई, खा मखा रोक, हमार दिमाग खराब मत करा, चला। हम के हाँ मिल जाई 2 घंटे में तोहर बेटवा तोरे पास आ जाई, हम पूरी कोशिश कर रहे हलवानी, चला चला भीतर ही चला चला। अरे कौन फोन तो उठाओ सरे, अरे वो फोन हमरा खातिर होता। अब तोरा पता चली तोरा कात का बा, समझ ले एसपी। अरे फोन उठाओ। इतना रात के गुंडन के फोन आवेला, कोई फोन ना उठी, चल जाओ यहां से। तू हमरा के बर्बाद करके छोड़ दिया लस भैया, अगर वो पापी की सजा ना मिली हम आत्महत्या कर ले। 10 बजे तक तोर सस्पेंशन लेटर तोरा टेबल में होगी।
उपाय नहीं क्यों उठावत। ए ड्राइवर गाड़ी भगाओ रे। हम अपन मुन्ना के शरीर पे बचपन से लेके आज तक एक खरोच भी बर्दाश्त ना कैली और उस साला मदर जात दू पैसा का औकात वाला एसपी हमरा मुन्ना के शरीर पे इतना घाव दिलस ना। ई घाव हमरा मुन्ना के शरीर पे ना दिले बा, ई घाव हमरा दिल पे दिले बा, दिल पे। बाबूजी हमरा एसपी के लाश चाहिए, लाश। हम तब तक कुछ खाएं ना पियब जब तक एसपी के हम लाश ना देख ले। हमरा के बहुत मरले बा बाबूजी, बहुत मरले बा। मिली, जरूर मिली नेताजी। ये रहा लो पवन सिंह एसपी के सस्पेंशन लेटर, ता इसको अपने पछवाड़े में घुसेड़ लीजिए। उस ससुर हमारा बेटा के जानवर की तरह पीटा है, हम उसको कुकुर की तरह तड़पा तड़पा के मारूंगा। हे डीआईजी, अब उसका ना तो सस्पेंशन होगा और ना ही ट्रांसफर, अब वही मोतिहारी में रहेगा और उसकी सजा हम मुकर्रर करूंगा, हम। अरे ऐसी हालात पैदा करूंगा कि उस साला मौत मांगेगा मौत, नहीं मिलेगी, मिलेगी तो बस तबाही तबाही तबाही। बाबूजी उस साले के हम मारब, हम मारब साले के बाबूजी। ना मुन्ना ना, ओकरी मौत के तमाशा तो पूरा मोतिहारी देखी। डीआईजी साहब, यूएसपी की छवि मोतिहारी से लेके बिहार विधानसभा तक हीरो के बन गई बा। अरे वो पब्लिक के नजर में एगो मसीहा बन चुकल बा। रउआ कुछ करी। सर हम रउआ से वादा करता नहीं कि हम तब तक आपके अपन शक्ल ना दिखाई जब तक हम राउर अपमान के बदला ना ले ले। सर हमरा के भी माफ करी, हमरा के एसपी बंधक बना लिया था सरकार। जाइए हमारा अपमान के बदला जितना जल्दी हो सके हमको दिलाइए, ना तो हम अपना अपमान के आग में पवन सिंह के साथे साथे तोहनी दोनों के भी जलाकर राख कर दे, बुझला। सर, सर बुलाया आपने? हाँ रामायण जी। सर बैठा। ठीक है सर। बैठा ना। थैंक यू सर। रामायण जी। सर परसों हम एक हफ्ते के लिए अपने घर जा रहे हैं, चार दिन बाद तुमको भी आना है। सर कोई खास बात? सर 28 तारीख के हमार शादी बा। अरे सर ये तो बड़ी खुशी की बात है सर। दुर्गा माई चाहेंगी तो अल्लाह सब ठीक करेंगे जी। सर हम जरूर आएंगे सर। रामायण जी। सर तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू सर। तुम्हारे जैसा अगर हर इंसान हो जाए तो जाति धर्म के नाम पे लड़ाई ही ना हो। थैंक यू सर। यस सर, गोविंदपुर थाना को नक्सलवादी लूट है, आप जल्दी से जल्दी आइए सर प्लीज। गजबगल सर, सब हौलदार मारे गए सर, सारा हथियार गाड़ी में रख दिया। तते मुंह का देखा तारे वजी सर ले। रामायण जी। सर आ, 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 आ,
कुछ नक्सलवादी थाना लूटने की कोशिश कर रहे हैं। थाना लूटने की कोशिश कर रहे थे या आप आम सप्लाई करवा रहे थे वो भी इस थाने को लुटवा कर? क्या बात कर रहे हैं सर? ठीक कह रहा हूँ मैं, ये दरोगा ने आकर मुझे सब कुछ बता दिया है। बकवास मत करिए सर। साले चोर, तेरी ईमानदारी का पर्दा फाश हो चुका है आर्म सप्लायर। सरकार 50 लाख रुपया देले बनी कि हथियार से भरल ट्रक निकाले खातिर, विश्वास ना होके तो चेक कर ली इनके गाड़ी। दारोगा जी सर, जाकर इसकी गाड़ी की तलाशी लो। ओके सर। मिल गई बैग सर, ये देखिए यह बैग। छी 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 छी, पैसा कमाने के लिए कोई इतना नीचे गिर सकता है? दरोगा जी सर, छीन लो इसके आर्म्स। हमें जी गिरफ्तार करो इस देशद्रोही को। देख क्या रहे हो? जी जी सर, गिरफ्तार करो इस देशद्रोही को। डीआईजी साहब, भाई आज हमारा करेजा के ठंडक मिलल, लेकिन हमारा आत्मा के शांति वो दिन मिली जौना दिन हम एसपी पवन सिंह के कुत्ता के मौत मारब कुत्ता के। नेताजी वह दिन जल्दी आ जाए जब एसपी पवन सिंह अपन अपमान के आग में खुद भस्म हो जाए। नेताजी आज हमारा लोग के बड़ा खुशी के दिन बा। हाँ। ये खुशी में चार चार तब लगी का? जब कोई जशन वशन हो जाए। हे दरोगा, दारू पिया दारू, जशन भी होई भाई दारू पिया। हे एसपी। हो गई ले तोहार गर्मी शांत। कुछ भी होके के चाहत रहल, लेकिन तोरा के हमारा मुन्ना पर हाथ ना उठावे के चाहत रहल। तू हमारा मुन्ना के कोर्ट में ले जाए के सपना देखत रहले। हाँ सपना तो सच हो गई, अब कोर्ट में मुन्ना ना तू जाइबे, तू और कटघरा में भी तू ही खड़ा रहबे। डीआईजी साहब देखली ना, एसपी पवन सिंह के हीरो से जीरो बना देली। चुप। अरे साला तोर गर्मी तो हम ठंडा करब हम। तू चिंता मत कर, कल जब तू कोर्ट से छुटबे ना तो जेल में ना पहुंचबे। जवन जनता तोरा के भगवान मानत रहल ना, वही जनता तोरी जान के दुश्मन बनी। हे एसपी, अब तोर मौत भीड़ में होके भीड़ में जाना तारे काहे काहे से कि वो भीड़ में हमरा अपना आदमी रहेंगे जवन तोरा काम तमाम करी है। चली डीआईजी साहब, चली रहुआ चली। डीआईजी साहब है ये वर्दी के कलंकित मत करी, नहीं तो पुलिस और दलाल में कोनो अंतर ना रह जाए। चक सला देशद्रोही दरोगा जी सर, ड्यूटी मुस्तैदी से होवे के चाहिए। हाँ। और कोनो कीमत पर दरवाजा ना खोले के चाहिए। हाँ। बुझला। हाँ।
माननीय एसपी साहब, देखी ना पासा कैसे पलट गई। अभी कुछ देर में विक्रम बाबू आ रहे हैं। जैसे आपने उनकी सेवा की थी ना, वैसे ही आपकी सेवा वो आज करेंगे। सॉरी सर। साहब, बेगुनाही के सबूत देवे खातिर हमरा यहां से निकल के पड़ी। रामायण, कसम हमके निकाल यहां से, न तो यही सलाम के खत्म कर दिए सब। साहब आप चिंता मत करिए साहब, अल्लाह चाहिए तो दुर्गा माई सब ठीक कर दिए साहब। रामायण, अब क्या कुसुर पुसुर चल रहा है? कुसुर पुसुर का चलेगा सर, साहब को खाना देने आए। ठीक है साहब, खाना खा लीजिए। नारायण, आपकी भाभी ने बड़े प्यार से भेजा है सर, खा लीजिएगा प्लीज। बेटा विक्रम, अरे एसपीया मर मर आ गई का? अरे मार मार के सारे का हाथ गोड़ तोड़ दी है, छोड़ी है मत। अरे का मारी बाबूजी, अरे केकरा के मारी? उस साला एसपी तो ताला तोड़ के भागिल बा। भाग गई? हाँ बाबूजी। अरे पीछा कर सारे के, गोली मार दे, बचे के ना चाहिए। हम बहिया होता नहीं, हम बहिया होता नहीं। हाँ जी नेताजी। अरे उस साला एसपीया पवन सिंह जेल तोड़ के भाग गई, पकड़ाओ करा के न तो हम पूरे जिला में आग लगा दे। ना ना ना, वो फिकर मत करी, हम भैया कोनो ना कोनो इंतजाम करते नहीं, फिकर मत करी।
मैडम हम साहब के बहुत ढूंढनी, पूरे इलाका के चप्पा चप्पा ढूंढनी, बाकी कुछ पता ना चल के साहब पा बड़े। उनके परिवार से केहू आए रहले का? उनके माई बाबू आए रहे, अपने औलाद के वो दूरों कहां कहां ना ढूंढ ले।
लेकिन कहीं पहले ना तड़प तड़प कर रोत रहे दोनों जने बेचारे। उन लोगों के दुख देख के ना मैडम पेड़ पौधा तक रो दिलस। पता था यहां तक चलल है मैडम की उनके माए बाबू अपने औलाद के गम में रो रो के दुनिया छोड़ दल। आखिर पवन सिंह गईले कहा? कुछ पता ना मैडम। लोग कहले कि मर गए पवन सिंह। नहीं, मेरा पवन कभी नहीं मर सकता। उसका विचार, उसका लक्ष्य आज भी जिंदा है। मैं पूरा करूंगी उसे, अपने पवन के सपनों को मैं पूरा करूंगी। मैडम, हम कुछ समझ नहीं ना। आपका पवन सिंह? आप जाने लो पवन सिंह साहब के। हाँ रामायण, पवन सिंह हमारे होने वाले पति थे। शादी होने वाली थी हमारी उनसे। हम दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। हमारा प्यार कॉलेज से शुरू हुआ था। तो हमेशा लेट आवेलू चित्रा। अरे आज कितना लेट हो गई ना। ये क्या बदतमीजी है? अंग्रेजी में समझाई कि हिंदी में? What? रैगिंग, रैगिंग हो रहा बा। तो हमरा के करा ना रैगिंग। हाफ टिकट। ए, हम हाफ टिकट नहीं की। तोरा नहीं क्या मालूम? कॉलेज में जितना लड़की भी है ना, वो सब हमार गर्लफ्रेंड भी है। अच्छा? हाँ। ये वो लेकर इतना तक आने का करता? ए, तू रास्ता से हटबा की ना? पहले हमारा सवाल के जवाब दे, तबे हटब। कैसन सवाल? आई लव यू के हिंदी में का कहल जाला? हाँ बोला 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 क्या निकू? बोला बोला ना, जल्दी बोला। शट अप। गलत जवाब। आई लव यू के मतलब बोला मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तोहसे? अरे तोहसे तो हमर जूती भी ना प्यार करे। चलो हो चलो। का सोचा था रुचित्रा? वो लड़का के बारे में इतना सोचा था तू? एक बात कही छोटू। हाँ बोला। वो लड़का सही मायने में मर्द बा। वो लड़का तोरा कहीं दिल चुरा के तो ना ले गए? हमरो कुछ ऐसा नहीं बुझाता। अब तो लगा था कि हमरे के कुछ करे के पड़ी। तू चला हमरा साथ। चला कहाँ? चला ना, सब बता बता नहीं। चला। कहाँ ले जाता छोटू? चला ना, बता बता नहीं। इतना रात के, इतना सज धज के, ये हाफ टिकट के साथे कहाँ घूमे जाता रे हो? छोड़ा रास्ता जाए दो। और ना जाए दे तो। ए तो ठीक ना होई। ए ये अपना कॉलेज के लड़की भी आ, एकरा साथे छेड़खानी ठीक नहीं के। ए मैडम। अरे हम वानी नू घबराइया मत। ए कॉलेज में पढ़ाई करे आइल बड़ा लोग, पढ़ाई करा जा। लड़की बाजी ना। अबे साले, लड़की देखी नहीं कि आगे हीरो बननी। अभी आईपीएस का एग्जाम दिया, एसपी बना नहीं। पहले हम तो भोग लगा लें, तेरा भी नंबर आएगा। हाँ चल लाइन में आ जा। आ!
अरे भैया हमका क्षमा कर दो, माफ कर दो। अब तू अपन पढ़ाई पूरा करके वकील बन जा। हमरा तोहरा से शादी करे के बा। शादी कैला से पहले बाबूजी से बात करे के पड़ी। अच्छा जी ठीक बा, बस तोहर पढ़ाई पूरा हो जाए और हम कुछ दिन चार्ज लेके अपन ड्यूटी संभाल ली, ओकरा बाद तो हम तोहरा बाबूजी या माई से हाथ मांगे जरूर आई। मन तो करता कि हम हूँ रउआ साथे चली, लेकिन का करी समाज के इतना बंधन बा। तन मन से हम तोहके अपन पत्नी मान चुकल बानी। सामाजिक बंधन के तो अंजाम दे बही के पड़े। ड्यूटी पर अपन ध्यान दिया और अपन खाइल पियल पर ध्यान रखी हा, और रोज सुबह शाम हमरा के एगो फोन जरूर कर लिया। ठीक बा। I love you too। मेरे पवन को दर दर भटकने पे मजबूर करने वाले लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगी, उसके अधूरे सपने को मैं पूरा करूंगी। एगो बात बतावा रामायण जी, लखिया के कौनो तस्वीर बा का? ना मैडम, आज ले लखिया के कोई सूरत नहीं के देखलेस। मैडम वो तो गरीबन का मसीहा हो, चोरी छिपे हर गरीबन का मदद करेला। और मैडम एक बात हो, आज ले ओकरे बंदूक का गोले की निर्दोष के ना लागल, वो वही कमरलेस जे मरे का हकदार रह। कुछ भी हो, न्याय अन्याय कोइल कानून के काम हो, लखिया के ना। अब हम आपन जंग वो कमीना लखिया के मौत से शुरू करब। मौत से जो मेरी जान थी,
और ये दूसरी चित्रा कौन है जो मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है? लखिया के मारे वाला भगवान के छोड़ के धरती पर केहू जन्म नहीं खेले ले। लखिया के अड्डे पे जो पुलिस ने छापा मारा है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जो काम 5 सालों में नहीं हुआ हमारी टीम ने उसे 5 दिनों में कर दिखाया। लखिया का अड्डा खत्म हो चुका है, वो बहुत ही कमजोर पड़ चुका है, बहुत जल्द ही वो पकड़ा भी जाएगा। हमने दूसरा अटैक उस पे करने का ऐलान भी कर दिया है, या तो वो प्रदेश छोड़ देगा नहीं तो वो मारा जाएगा। मरेगा, यादव मरेगा, चित्रा मरेगी, टीआईजी मरेगा। चौबीस घंटा के अंदर मुझे जितना चाहिए। आईपीएस पवन सिंह
के नक्सलवादी बना देलस। हमरा भी तहर अधूरा सपना पूरा करेला वर्दी पहने पे मजबूर होके के पड़ल पवन। लेकिन पवन, कम से कम एक बार तो हमरा बारे में सोचता। अरे कम से कम एक बार हमरा से। अपना माथा पर कलंक के टीका लगा के अपना चित्रा पे तो भरोसा रखती हैं आप। उदास भी बा लेकिन सोचा जौना लेखा के माई बाप अपना लेखा के याद में रो रो के मर गई और वो अभागा अपना माई बाबूजी के चिता में आग तक ना लगा पौरस। तोरा के काम होते गई थी मर गई एसपी पवन सिंह नया जन्म भइल बा हमार। लखिया आई हम लखिया लेकिन एकर अंजाम अंजाम के परवाह मौगा करेला मर्द ना। तू हमार हीरो बाड़ा पवन, हम चाहता नहीं कि तू सरेंडर कर दा। हम तहरा के बेगुना साबित करवाई। कुछ ना करवाई तू। कानून सजा दिलाई तहर दुश्मन भोला यादव के। कानून कौना कानून के बात करता रू। कानून के भोला यादव रंडी बना के रख लेबा। देश में प्रधानमंत्री के हत्यारा के 12 साल बाद सजा मिलल। ओ कानून के बात करता रू। संसद पे आक्रमण करे वाला के दामाद के तरह बैठा के सेवा कर जाता। कसाब जैसन हत्यारा के सुरक्षा में करोड़ों रुपया खर्च हो गई बा। ओ कानून का सजा दी भोला यादव के। हमरा तोहरा कानून पे भरोसा नहीं के। बहुत जल्द भोला यादव जेल के अंदर हुई पवन, तू हमरा ऊपर भरोसा रख। तू ना समझ पाड़ू चित्रा, हिंदुस्तान के जेल अपराधियन खातिर कोनो 5-star होटल से कम नहीं खे। शायद तोहरा मालूम नहीं खे इस देश में 25,000 ऐसे अपराधी हैं जो जेल के अंदर से अपना कारोबार चलाते हैं। 2500 अपराधी जेल के अंदर से किसी न किसी मंत्री या सांसद के लिए काम करते हैं। 250 अपराधी जेल के अंदर से चुनाव लड़ते हैं और 25 ऐसे अपराधी हैं जो जेल के अंदर से सरकार चलाते हैं। लेकिन पवन, जिस राह पे तुम चल रहे हो उससे भी तो तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं होगी। इसकी चिंता कहां थी पहले, अब तो मिल गई बड़ू तो सोचा। अगर तू चाहता रू कि हम अपने आप के सरेंडर कर दी तो हमके 48 घंटा के समय था। हम वादा करते नहीं कि अपने आप के कानून के हवाले कर दी। लेकिन भोला यादव के खत्म करके। ठीक बा पवन, बाकी जाए से पहले तू हमार मांग भर दा। कहे से कि कानून के राह में शायद तू हमार गोली के निशाना बन जा और हम तहर विधवा बन के जेल चाहता नहीं। कैसे तुहार मांग भर दी चित्रा, हम तुहार सौतन लाइल बानी। सौतन? हाँ, एकरा से भी आके ले बानी हम, एकरे मांग भर ले बानी हम। अब तो बस खून खून बस खून। तो पवन,
एही सिंदूर से तू हमरो मांग भर दा। तहर इस सौतन के साथ समझौता को भी जी ले। चित्रा, आप जहां कहीं भी हो हमें सिग्नल दे। पुलिस चारों तरफ से जंगल को घेर चुकी है। आप हमें सुन रही है तो सिग्नल दीजिए। बहुत देर से देखत बानी तोहन का प्रेम लीला। अब पुलिस आ गई बा, तोहन के कहानी खत्म। ए चित्रा, तनिक भी चालाकी के लेकर कोशिश कैली तो तोहन के लव स्टोरी का द एंड यही हो जाए। रामायण साला दोगला पुलिस वाले पे गोली चलाता है। क्या करें दरोगा साहब, हम तो जन्मजात दोगले हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रामार सिंह अब्दुल सब कुछ कर सकता है, देश के साथ गद्दारी नहीं। और तुम साले गद्दार हो। राजपूत के बाद आपा 48 घंटा में मिला। एसपी चित्रा का दावा कि 48 घंटे के अंदर लखिया को जिंदा गिरफ्तार करेंगी, लेकिन लोगों का कहना है कि लखिया ने आज तक किसी बेगुनाह को नहीं मारा। किस वजह से लखिया भोला यादव के पीछे पड़ा है, ये लोगों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। आज तक लखिया ने जो जो फरमान जारी किए हैं वो उसे पूरे किए हैं। अब ये देखना है कि इस बार लखिया अपने मकसद में कामयाब होता है या नहीं। कोई कुछ भी साफ साफ बता नहीं पा रहा है, लेकिन सबको इंतजार है पूरे 48 घंटे पूरे होने का। अब देखना है एसपी चित्रा लखिया को पकड़ने के लिए क्या क्या प्लानिंग करती है। क्या एसपी चित्रा से किसे पकड़ पाएगी या नहीं? क्या लखिया अपने मकसद में कामयाब होगी? टीवी पर अखबारों में आपको अपना फोटो देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? क्या जरूरत थी लखिया को उंगली करने की? अरे कोनो काम करने से पहले ओकर रणनीति बनावे के पड़ेला। रणनीति बना बना के 5 साल बीत गई, लखिया के एगो तस्वीर भी निकाल पाओ नहीं रहो लो। अरे हम तो कम से कम इतना तो कह दियनी कि वो आत्मसमर्पण करे के ऐलान कर दियलस। लेकिन भोला यादव के जान से मारे के धमकी भी दे ले बा। जी मंत्री जी। जल्दी हमारे बंगले पास जाओ। जी सर, मैं अभी आता हूँ। मंत्री जी का फोन था, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। नेताजी शहर के पूरे दीवार पर लिखा गईल बा और पर्चा भी बटा गईल बा, 48 घंटा के अंदर उलखिया रउआ के खत्म कर दी और फिर पुलिस में आत्मसमर्पण करी। हमारा बहुत डर लागत बा। घंटा उखाड़ी लखिया साला हमा। अरे उस साला के तो हम ऊ हाल करब कि जिंदगी में कभो सोचले भी ना होई। ओकर सारे का हाथ पैर काट के ओकरे पछवाड़े में बांस घुसेड़ दे, ओकर सारे के जीएल मुहाल हो जाई। अरे का कह रहल बाड़ू? रउआ के जान के बड़ा खतरा बा। भगवान रउआ के रक्षा करी। हम ओकरा खातिर भगवान से मन्नत मांग ले बानी। चली हमरे साथे मंदिर चली। अरे पगला गेल बाड़ू का? अरे हम कोनो मुर्गी बकरा है जौन लखिया ससुर आई और हमरा के काट के चल जाई? रउआ तो हमार कोनो बात ना माने ली। अब अरे अरे हम पहले अपन बेटवा खो चुकी, अब अपन मांग के सिंदूर ना खो सकेली। अब हे भगवान। नेता जी, भाभी जी जब कहते है बानी तो चली चल के दर्शन कर ली मंदिर में। ठीक बा, चली आई।
कहाँ जा रहा बानी सर? मंदिर। रउआ के 48 घंटा सुरक्षा में रहे के होगी। काहे? रउआ पर खतरा मंडरा रहल बा। कब तक रही खतरा? 2 दिन तक, सिर्फ 2 दिन। सीएम साहब से बात हो गई बा, पूरा इलाका के सील कर दिया गई बा। कमांडो फोर्स आ रहा बा, हेलीकॉप्टर से पूरा जंगल के सर्च कर जा रहा बा। अब लखिया के खात्मा 100% निश्चित बा सर। अब देखा रहुआ सर, हमरे मोतिहारी जिला के राहत के सांस मिली, राहत के। तो ठीक बा, रहुओ हमरे साथे मंदिर चली। हाँ चली। सरकार, खाली 48 घंटा के बात बा, काहे जान जोखिम में डालत है। कहीं ता फोन करके शंकर भगवान के यही बुला ली, यही दर्शन कर ली। हे बुबक, का बकरा है तूरे? सरकार मतलब पंडित जी के घर में बुला लेता नहीं, पूजा पाठ यहीं जे कर ली। अब सर ये बिल्कुल ठीक कर रहा बा, बिल्कुल ठीक कर रहा बा। तो ठीक बा, पंडित जी को बुला ली, पूजा यही हो जाए। अरे बाप रे बाप, का भइल? अरे हे रानी, हे देखा का छपल बा हो? का छपल बा? छपल बा, दारू पिए से 500 आदमी बीमार, 300 का लीवर डैमेज और 200 का किडनी डैमेज। तो यही नाते तो हम कहेली कि दारू पिए अब छोड़ दी, बाकी आप हमार बात सुने ली कहा? अच्छा, और नहीं तो का? हाँ ठीक बा। बंद, करीम माइकर बंद, हमार दिमाग डिस्टर्ब हो गई, आज के बाद बंद 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 बंद। हाँ एकदम बंद बंद बंद। हम आवत नहीं है। अरे ये हमार रसगुल्ला, ये भोरे भोरे सच के का आवाज आता रहो। हम मंदिर जाता नहीं। अच्छा, कितना दिन से मंदिर मस्जिद में जाके देवी देवता से मन्नत मांगत रहनी कि रउआ जौन दिन शराब पे अब छोड़ दे, वो दिन हमार जिंदगी के सबसे खुशी के दिन हुई। अच्छा हाँ, और आज भगवान हमार सुन लेलन, हम जाता नहीं। अरे नाथ पीटी, एक बात बताओ तो के कहलस कि हम शराब पिए बंद कर देनी? हे भगवान, अभी रउआ तो कहने की का कहनी हो? आज से बंद, आज से बंद। ये जानो, इधर आओ। हम इना कहनी है कि शराब पिए बंद, हम कहनी है इस साला कमीना अखबार घर में आई बंद, चल घर के अंदर। सलाह दिखाए कि मंदिर आ जात है, शराब पिए बंद। जी अलया करा जरूरी बा, तो पी अला बहुत जरूरी बा। चित्रा सिंह जी, तोहरी नादानी की वजह से आज हमने की दिन देखे के पड़ रहल बा। अरे हमरा के तो पूरा विश्वास बा कि तोहार और लखिया के कौनो जरूर साठ गांठ बा। ई तो वक्त बताई नेताजी कि केकर केकरा से साठ गांठ बा। लखिया कौनो चीन और अमेरिका से हथियार ना मंगावेला, ये तो आप लोगों का शासन प्रशासन ही इतना कमजोर है कि आप लोगों के हथियार से आप लोगों से ही लड़ रहा है। चित्रा, चिल्लाई मत, खाली जवाब दी। अगर लखिया पुलिस से टक्कर ले रहल बा तो ओकरा पास हथियार आवेला कहां से? तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रशासन उसे हथियार सप्लाई करता है? जी हाँ, शासन प्रशासन के कुछ गद्दार लोग जिनका पर्दाफाश बहुत जल्द होगा। बियाजी साहब, यह औरत बहुत खतरनाक साबित हो सकेले, एकरा के कुछ करे के पड़ी। सर आप चिंता मत करी, एकर तो हम वो हाल करब
कि केहू के जिंदगी भर मुंह दिखाए लायक न रह जाए। एक मंत्री से बात करने की तमीज नहीं है तुमको? तुमको उनके औकात का पता नहीं है? मुझे बहुत अच्छी तरह पता है सर उनकी औकात। जान पे आई तो चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठ गए, यही है उनकी औकात। तुम्हें मालूम है वो तुम्हारा क्या कर सकते हैं? वर्दी उतरवा सकते हैं बस, और वर्दी का डर आप जैसे भड़ुओं को है, हमको नहीं। Shut up! चिल्लाइए मत। आप जैसे गद्दार पुलिस ऑफिसर की वजह से पनपता है ये आतंक, होती है अराजकता। वरना पुलिस अपने पे आ जाए तो अपराधी अपराध करने के बारे में सोचने से पहले ही मूत देगा। तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो चित्रा। यही हद तो हमको बार बार रोकता है सर, वरना आप जैसे गद्दार पुलिस ऑफिसर खाकी की शान को खादी के जूतों तले रौंद कर उसकी गरिमा को धूल में मिला रहे हैं। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। बिल्कुल सर, जब कोई पुलिस ऑफिसर ईमानदारी से काम करता है, अपने काम को अंजाम देता है, तो नेताओं के एक इशारे पे आप लोग या तो उसका ट्रांसफर करवा देते हैं और नहीं तो उसकी वर्दी उतरवा कर खोटी पर चंगवा देते हैं। तुमको इस बात का अंदाजा है कि तुम किससे बात कर रही हो? जी हाँ, एक पुलिस ऑफिसर कम दलाल ज्यादा है आप। उतरवा दूंगा तुम्हारी मैं वर्दी चित्रा। आप क्या उतरवाएंगे वर्दी को? अरे भाड़ में जाए ऐसी वर्दी जिसे पहनकर घुटन महसूस होती हो। इंतजार कीजिए, 48 घंटे में ये वर्दी आपके सामने होगी। लेकिन इसी 48 घंटे में मैं आपको दिखाऊंगी कि वर्दी की ताकत क्या होती है। लखिया को जिंदा मैं पकड़ कर लाऊंगी, ये मेरा वादा है। असली बाप के औलाद है तो भोला यादव को बचा कर दिखाओ। भोला यादव की सुरक्षा पूरी तरह से हो रही है, परिंदा पर भी नहीं मार सकता। लेकिन कब तक? बहुत जल्द हम लखिया को जड़ से खत्म कर देंगे। हमारी पूरी पुलिस फोर्स लखिया को युद्ध स्तर पर ढूंढ रही है। आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम आप लोगों को एक गुड न्यूज देने वाले हैं। लखिया का खात्मा तो होकर रहेगा, मैं उसे खत्म करूंगा। एक्सक्यूज मी सर। एसपी चित्रा सिंह जी, कहां बा लखिया? आ लखिया तो जंगल में छिपल बा, फिर तू यहां का कर रहल बाड़ू? है बतावे आइल बनी कि मुस्तैद रहिया बड़ा ही खतरनाक खिलाड़ी बा लखिया। आंख से सुरमा निकाल लेवेला और आंख के पता भी ना चलेला। लखिया के खाल खिंचवा के ओकरा में भूसा भरवा दे। तू हमारा के चीन्हे लो ना। ये तो वक्ते बताई कि के केकरा के खाल खिंचवाई। तहरा बात में तो लखिया के प्रति बड़ा हमदर्दी दिखाई दे था। ये राउर आंख के दोष बा, राउर नजर खराब हो गई बा, चश्मा लगवा ली। तभी से बात करा। और एक बात याद रखा, 2 घंटा बचल बा तारा के लखिया के गिरफ्तार करे में। अगर तू गिरफ्तार ना कैलू तो तोहार भी हम उहे हाल करब। जवन एसपी पवन सिंह के कैनी यही ना। चुप काहे हो गई नी? वर्दी के ताकत और वर्दी के औकात आपका जाने नी, हम जाने नी डीआईजी साहब। जौना लखिया के रउआ लोगे को तस्वीर तक हासिल ना कर पौनी, आज हम ओकरा साक्षात गिरफ्तार करके ले आइल बनी। कहां बा लखिया? तारा जेब में ना। राउर बाप भोला यादव के स्वागत में बा, चल के देख ली।
आइए सर, आइए, स्वागत है आपका। का भइल सर, हमके जिंदा देख के करंट लाग गिल का? देर मत सोची, हम ही हैं पवन सिंह उर्फ लखिया। पवन सिंह को लखिया बनाने में सबसे बड़ा योगदान आप ही का है। अच्छा अच्छा, तत्ते ही हमें लखिया के आड़ में आतंक फैलावे वाला केशद्रोही पवन सिंह। चुप, देशद्रोही तत्ते हमें जवानी वर्दी पहिर के देश के साथे गद्दारी कर रहा बड़े। पूछ अपना आत्मा से, पूछ अपना जमीर से, पूछ कि देशद्रोही ते हवे कि हम। रस्सी जल गई मगर ऐठन ना गई। अगर तोरा भोला यादव के भड़ुआ गिरी ही करे के रहे दही वर्दी उतार के करते। पवन सिंह चिल्लाओ मत, वरना सारा कहानी एक सेकंड में। खत्म कर दे। साला खाती पहिर के गांधी जी के अपमान कर रहा बड़े, और ये साला खाकी पहिर के पुलिस के अपमान कर रहा बा। पवन सिंह, ये बंदर लेखा गुलाटी मारल बनकर और अपना आदमी से क्या क्या हथियार फेंक देस, नहीं तो तू सब लगन के मौत आज सुनिश्चित बा। हे डिया जी, हे ये भाषणबाजी बंद कर और बाहर से फोर्स मंगाओ और खत्म कर सारे के, खत्म कर। खत्म तो हम तोड़ा के कर रहे तो ही है। संसद में बैठ के देश के सौदा कर रहा हूँ। रुक जा पवन सिंह, नहीं तो गोली मार दे। अरे तो मुंह का दिखाता रे, मार गोली मार। शेरनी के दूध पियले बानी, पवन सिंह के मारे ला करे जा चाही। भोला यादव के कुत्ता ओकर फेकल रोटी खाए वाला साला हमरा के का गोली मारी। पवन सिंह, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। एसपी पवन साहब, आप ही लखिया हैं? हाँ, हम ही हैं लखिया। पर हमरा पर गोली चलावे से पहले अपना आत्मा से पूछ ली सभे कि जेकरा पर हुआ सबने गोली चलावे जा रहल बानी उका सचमुच के एक मुजरिम लखिया है या वर्दी के इज्जत रखे वाला एसपी पवन सिंह। मेरी बर्बादियों में ही तुम सबकी खुशी, तू एक ठोकर मार मुझे बर्बाद कर जा। सर, हमने आपके जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर नहीं देखा सर, हम आपके ऊपर गोली नहीं चला सकते सर। सर, अगर आप जैसे पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाऊंगा तो घर जाके अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? आप पर गोली चली
तो हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार और आतंक खत्म कर देने वाला आप जैसा ऑफिसर बनने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा सर। बंद करो ये बकवास। इट्स माय ऑर्डर, शूट हिम। सॉरी सर, हमें लखिया को मारने का आदेश मिला है, एसपी पवन सिंह को नहीं। चाहिए तो एक साथ सारा मैगजीन तुम्हारा खोपड़ी में डाल दी। लेकिन सर, आपकी मौत समस्या का समाधान नहीं, समस्या है भ्रष्टाचार, आतंक, और इसे हम पुलिस वाले ही खत्म करेंगे। पुलिस की इज्जत को मत मिटाइए, वरना लोगों का पुलिस पर जो बचा खुचा विश्वास है वो भी खत्म हो जाएगा। आपकी आने वाली पीढ़ी थूकेगी आप पर। सर, मैं ही अकेला भारत मां का बेटा नहीं हूं, उसी मां की कोख से जन्म लिए हैं। फिर आपका खून काला कैसे हो गया सर? बचा लीजिए इस वर्दी की गरिमा को, प्लीज। बस बस, मुझे अब और शर्मिंदा मत करो। इस हराम ज्यादा नेता के हराम की कमाई खा खा कर मेरी आंखों पर पट्टी पड़ गया था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, मेरे जमीर को जगा दिया है तुमने। मेरा दिल आज तुम्हें सल्यूट करने को कह रहा है। आई सल्यूट यू। मैं भूल गया था कि मैं भी एक देश का सिपाही हूं। ऐसे भ्रष्ट नेता जो देश को खा खा कर बर्बाद कर रहे हैं, आखिर नुकसान तो हमारा ही है ना। पवन, मैं इस वर्दी की कसम खाकर कहता हूं कि चाहे अंजाम जो कुछ भी हो, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा। वाह 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 वाह, आपस में बड़ा भाईचारा फूट रहा हलवा। ए डीआईजी, मत भूल, दो रौकात एक होमगार्ड के भी ना रहल। तोरा के डीआईजी हम बनौली हम। अगर हम तोरा के बना सकिले ना, तो तोरा के मिटा भी सकिला। हमारा से गद्दारी तोरा के बहुत भारी पड़ी। अंजाम की परवाह मऊगा करेले मर्द ना। हे डीआईजी, हे साला, अरे तू अपने आप के मर्द कब से हो गए ले रे? जब से तोहरे जैसन मऊगा के साथ छूटल अब मर्द के साथ मिलल। पवन, बहुत अच्छा हो गई, सीएम साहब खुद आ गए। आज पूरा देश लाइव देखी कि देश के भ्रष्ट नेता कैसे देश के सौदा करे ले। ये क्या हो रहा है डीआईजी? भोला यादव सुरक्षित तो हैं? जी सर, भोला यादव बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन लखिया ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। और एक बात सर, जिसे सुनकर आप सब लोगों को आश्चर्य होगा, लखिया और कोई नहीं, एसपी पवन सिंह ही है। क्या बकवास कर रहे हो? लखिया,
सीएम साहब, ये सच्चाई है। जी हाँ सर, भोला यादव के कहने पर ही मैंने थाना लुटवाने का नाटक किया। पवन सिंह की गाड़ी में मैंने ही पैसे रखवाए। पवन सिंह निर्दोष है सर, बल्कि सच्चाई तो यह है कि इन सारे गुनाहों की जड़ ये भोला यादव है। सारे घर कहानी तो हम कब के खत्म कर दिले रहती, लेकिन हम के वो दिन के इंतजार रहे कि अगर सच्चाई पूरा देश देखे। पर नक्सल बनकर तुमने जो अपराध किया है उसका क्या? नक्सलवाद समाज की पैदावार नहीं है सर, राजनीति की पैदावार है। और ये भोला यादव इस प्रदेश का सबसे बड़ा हथियार माफिया है। मेरे पास हथियार आया कहां से? 5 साल तक लड़ाई लड़ता रहा सिर्फ यहां के नेताओं से हथियार खरीद खरीद कर। झूठ बोल रहा है सीएम साहब, ये हमको फंसाना चाहता है। अरे भगोड़ा है, जेल तोड़ के भागा हुआ है। झूठ और सच के फैसला था अभी सीटी करी। लो रामायण। पवन, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो और भोला यादव को छोड़ दो। मैं तुम्हें पूरा विश्वास दिलाता हूं कानून तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर करेगा। कानून भोला यादव के घर में झाड़ू लगावेला सर। कानून का सजा दे ये कि जिस भोला यादव की आप बात कर रहे हैं, आज से 25 साल पहले चाय की दुकान पे चाय बनाता था। एक हत्या के जुर्म में अंदर गया, बाहर आते ही प्रधान बना, ब्लॉक प्रमुख बना, विधायक बना और देखते ही देखते सांसद बन गया। कौन जानता है, हो सकता है कल को सीएम बने, परसों प्रधानमंत्री। क्या इस देश को हत्यारे चलाएंगे सर? सर, सरकार ने इसको 1 लाख की सैलरी और 1 बंगला दिया है, लेकिन इसके पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई, किसी ने जानने की कोशिश की? नहीं, क्यों? सर, सच्चाई तो यह है कि इस देश को खतरा पाकिस्तान से नहीं, इस देश को खतरा चीन और जापान से नहीं, इस देश को खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ यहां के नेताओं से है। मैं निर्दोष हूं, कचरा साफ करने आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूत करने के बजाय मेरा हाथ ही काट दिया। बचा लीजिए सर, इस देश को अंधकार की ओर जाने से बचा लीजिए।